टेंपल के दर्शकों के लिए आज हम एक विशेष परिचर्चा लेकर आए हैं और यह परिचर्चा है प्रदेश सरकार के सुशासन सहयोगियों पर। आज पूरे प्रदेश में सुशासन सहयोगियों की एक नई टीम जो है वो ज्वाइन कर रही है हर जिले में। दोस्तों, हरियाणा सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार ने कई नए प्रयोग किए। इन्हीं नए प्रयोगों में एक था हर जिले में एक सुशासन सहयोगी की नियुक्ति। शुरू में राज्य सरकार ने ये कहा, प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ये जो नए युवा हैं वो सहयोग देंगे, लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया ये जो सुशासन सहयोगी जिलों में नियुक्त किए गए वो प्रशासन के डे टू डे लाइफ के जो कार्य थे उनमें भी दखल देते थे। लेकिन इस सुशासन सहयोगियों में एक जो सबसे बड़ी बात हुई है वह है एक सुशासन सहयोगी की नियुक्ति एक वर्ष के लिए। इन तीन वर्षों में ये तीसरा बैच आज ज्वाइन करने जा रहा है। हम जानेंगे, हमारे साथ हैं आज श्री गुरजीत मान जी जो सिरसा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसके अलावा हमारे साथ हैं कृष्ण मानव कल्याण समिति के संरक्षक व बैंक अधिकारी रहे विमल भाटिया जी, उनसे जानेंगे क्या नए बच्चे जो सुशासन सहयोगियों के रूप में नियुक्त हैं वो कितना सहयोग दे रहे हैं। सबसे पहले मैं गुरजीत मान जी से जानना चाहूँगा, गुरजीत मान जी, ये जो एक कंसेप्ट है वास्तव में ये है क्या? क्योंकि मैं बात करूं जो हरियाणा में जिस तरह से लगाया गया है वो आप भी, क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, आपने भी देखा कि इनके होने के बावजूद भी वो कोई इतने विजिबल लोग नहीं थे, कहीं उनकी चर्चा लोगों ने भी आपको अखबार के माध्यम से नहीं बताया कि हमारी उस माध्यम से कोई हेल्प हुई या कोई रुकावट हुई। तो पहली बात तो आम जन तक शायद उनकी सेवाएँ पहुँची नहीं या आम जन से उनका कोई संबंध था ही नहीं, ये क्लियरेंस नहीं है। इनको मेरे ख्याल से बोला जाता है चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स, CMGGA नाम से, जिन्हें आउटसोर्स किया गया था एक साल के लिए। नो डाउट ये जो यंग एनर्जेटिक लोग थे, ये MBA भी थे, इनमें BTECs भी थे, वेल क्वालिफाइड लोग थे, कहीं ना कहीं शायद एक्सपीरियंस उनके पास बहुत साल नहीं हुआ। जब ये कॉन्सेप्ट दो साल पहले आया था तो मैंने अपने मित्रों में, जर्नलिस्ट मित्रों में भी चर्चा की थी कि ऐसा कॉन्सेप्ट विकसित देशों में है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा की जो गवर्नेंस को स्टडी करें तो। लेकिन उसका थोड़ा सा इससे भिन्न रूप है, उनके सरकारी जो दफ्तर हैं उनके ऊपर एक आउटसोर्स्ड मैनेजर टाइप की पोस्ट है जो सारे ऑफिस के काम को ओवरलुक करता है और उनको असिस्ट करता है, और इंटर गवर्नेंस जो है पॉलिसीज उनको भी वो इम्प्लीमेंट करने में सहायक होता है, और वही एक क्वालिटी कंट्रोल की रिपोर्ट भी देता है कि मेरे ऑफिस में जो सब कुछ है वो सुचारू चल रहा है कि नहीं। दैट मीन्स वो ही इज़ वेल वर्स्ड इन ड्यूटीज ऑफ एवरी ऑफिसर और एम्प्लॉई वर्किंग इन द ऑफिस दैट ही इज़ मैनेजर ऑफ। वो क्योंकि कॉन्सेप्ट शायद सोच करके यहाँ लाया गया होगा, वो जहाँ वहाँ के जो मैनेजर्स हैं वो डेफिनेटली बहुत एक्सपीरियंस लोग लगाए जाते हैं जिनको गवर्नेंस का पता है कैसे चलती है और उनसे कैसे काम लेना है, अगर कोई पब्लिक की ग्रीवेंसेस भी है तो उसको सुन के उसके भी समाधान निकालने, ये चीज़ यहाँ कम से कम मिसिंग थी। ईमान साहब, वही बात जैसे आपने कही, क्योंकि हमारा देश एक विकसित देश है तो निश्चित रूप से विकासशील देशों से कुछ चीज़ें हमने ली हैं, ऑस्ट्रेलिया से ली हैं, इंग्लैंड से ली हैं, मोस्टली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सारा वो इंग्लैंड की कॉपी के रूप में ही है, उसको कुछ दुरुस्त करने की शुरू की है। तो इसी प्रकार जो IAS अधिकारी हैं वो भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अंग्रेजों की देन है। शायद जो प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार आने के बाद उन्होंने ये किया, लेकिन मैं आपसे थोड़े शब्दों में ये जानना चाहूँगा इससे प्रदेश को क्या लाभ हुआ और प्रदेश के जो एक्सचेंचर पे जो खर्च हुआ है, जो बजट से पैसे खर्च हुए हैं, उसके अगेंस्ट कुछ लाभ भी हुआ है क्या आपकी जानकारी? आपने बिल्कुल एक शंका जाहिर की है कि जो टैक्स पेयर्स मनी से इनको पेमेंट्स की जा रही हैं तो उनका जो भी कोई फायदा नुकसान आम जन को तो अभी तक प्रतीत नहीं हुआ, उस एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया हो, इसीलिए उसको
हर साल एक नया बैच लिया जा रहा है, शायद कुछ उसमें करेक्शंस भी लगाई जा रही हो। ये तो अब जो उच्च अधिकारी हैं वो ही बता सकेंगे कि पहले वाले बैच में जो उनकी ड्यूटीज थी और जो बाद में ड्यूटीज दी गई, क्या उसमें कोई अंतर किया गया है, वैसे की वैसे ही चल रहा है। अगर वैसे की वैसे ही चल रहा है तो मुझे लगता है कि इट इज वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट भी आगे आगे चलकर सफल होता जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल हो सकती है। भाटिया जी भी प्रबंधन में रहे हैं। हाँ, विमल भाटिया जी क्योंकि ना केवल बैंक अधिकारी रहे हैं बल्कि ये बैंक ऑफ राजस्थान की यूनियन के नेशनल लेवल पे जनरल सेक्रेटरी तक रहे हैं। तो आपका क्या मानना है विमल जी, यह जो एक नया कंसेप्ट लेके आई भाजपा सरकार, उसका लाभ हुआ है या हानि हुई है? नहीं नहीं, कंसेप्ट उनकी सोच बहुत बढ़िया थी, इसका लाभ हो सकते थे, बशर्ते कि जिन बच्चों को लगाया गया उन बच्चों को यही नहीं पता कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स आती कहाँ कहाँ पे। वो तो ठीक वेल क्वालिफाइड जरूर थे, लेकिन वास्तविक तो ये आम आदमी को जिला प्रशासन से किस किस तरह की समस्याएं आती हैं, इस बात का जब तक उनको खुद को अनुभव नहीं होगा तब तक किसी को उसके सोल्यूशन क्या निकालेंगे, क्योंकि वो सो यंग है, जो उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया, कहीं गए नहीं, कहीं आए नहीं। इसकी जगह कई एक्सपीरियंस हैं लोग, समाज सेवा से जुड़े हुए लोग और कुछ ना कुछ जो डाउन टू डाउन लोग हैं उनको लगाया गया होता, तो उनको ये पता होता कि हमें किस जगह पर क्या समस्या आ रही है, उनको इसी बात का नहीं पता किसी का नहीं। आज इस जो बात का दुख है कि पुलिस के अंदर कि जाओ तो कोई SHO पहली बात तो किसी तरह की FIR दर्ज करने के अंदर हेजिटेट करता है और इनका उसको इस बात का पता ही नहीं होगा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के अंदर तो काफ़ी हद तक स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर दी है टेक्निकल या उसका डिजिटल करने के बाद, इसके लोगों की समस्याएं कम हुई हैं। लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर आज भी कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह, और उनका उन बच्चों को इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो सोशल सर्विस से जुड़े हुए लोग एक्सपीरियंस हैं लोगों को लिया गया होता तो उनकी जो दी गई सैलरी का कोई मतलब, सबसे बड़ी बात है कि आम बंदे को पता भी नहीं है कि ये ऐसा भी कुछ एसोसिएट को अपॉइंट किया गया। इससे ज़्यादा बेटर तो मैं समझता हूँ जो CM विंडो है ना उसके और वो फिर भी कुछ ना कुछ आ रही है, क्योंकि हर आदमी को पता है भी एक रास्ता है, यहाँ पर कुछ समस्या आती तो वहाँ एप्लीकेशन डाल देता है, वहाँ पर भी पूरे लोग नहीं आते। लेकिन जो जो सुशासन एसोसिएट अपॉइंट किया इसका तो आम बंदे को पता भी नहीं है, और सुशासन जो लड़के अपॉइंट किए हैं, बच्चे अपॉइंट किए हैं, बच्चों को भी नहीं पता कि किस डिपार्टमेंट में किस तरह की समस्या। जैसा कि विमल जी ने कहा, मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, मेरे कुछ सुशासन सहयोगियों से बातचीत हुई तो मैंने अक्सर उनको ये कहा, मैंने कहा शायद सरकार ने आपको एक माध्यम बनाया हो जनता और प्रशासन के बीच में, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो जनता की भावना को सही ढंग से नहीं समझते, तो शायद आपको इसलिए लगाया गया। लेकिन जिन बच्चों को मैं अब तक जानता हूँ जो सुशासन सहयोगी लगाए गए थे वो भी प्रशासन का एक हिस्सा बन गए थे, क्योंकि लघु सचिवालय में उनको एक कमरा दे दिया गया, एक गाड़ी दे दी गई और एक PA दे दिया गया, तो वो भी उसी ढंग से लोगों से आम जनता से बात करते थे, वो भी जिस ढंग से कोई ब्यूरोक्रेट SDM बात करता है, जिस ढंग से DC बात करता है, जिस ढंग से कोई SP बात करता है, तो उनका लहजा भी उसी ढंग से मैंने महसूस किया। और मैंने तो बल्कि टोका भी, BJP के कुछ नेताओं को भी कहा भी आपके जो सुशासन सहयोगी हैं, हालांकि अपना जैसे कि पुराने लोग हैं तो संपर्क है भाजपा के कुछ लोगों से, कांग्रेस के कुछ लोगों से, जनता से, तो मुझे किसी भी एक व्यक्ति ने ये नहीं बताया भी सुशासन सहयोगी जो भी सिरसा में रहे हैं उन्होंने किसी से जाके फीडबैक ली हो भी वास्तव में धरातल पे क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल गाँव में अभी पिछले दिनों सिरसा की एक बच्ची ने CM की कोठी के सामने जाकर उसको आत्महत्या करने की कोशिश करनी पड़ी। अब यहाँ सुशासन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो और जिला उसको ये पता नहीं हो क्या समस्या है, और फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कहाँ कहाँ जाके नहीं रोई वो, तो जब तक इनको ही नहीं पता तो वहाँ पर जाके हाईलाइट हुई तब जाके उसकी FIR दर्ज हुई है, तो क्या फायदा इस बात। तो मान साहब अंत में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये तो वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी है, अगर अगर उनका जो काम उनको जॉब ड्यूटीज दी गई हैं वो उन्हें खुद ही नहीं पता तो द पर्पस इज डिफिकल्ट। तो वो अब जो नया बैच आएगा कम से कम उसको जो है ना पब्लिकेशंस में भी वेल एडवर्टाइज करें, पब्लिक को भी बताएं कि ये आपके किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। उनका प्रॉपर एक ऑफिस जो है वो भी आम लोगों को पता नहीं कहाँ है, और उनके फ़ोन नंबर्स भी ऐसे होने चाहिए जो पब्लिक नंबर हों जिसपे लोग किसी भी समय संपर्क कर सके, ताकि वो अगले दिन वो उस कार्रवाई को आगे इन टच विद द पब्लिक, वो अपने आप को ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा ना समझो, पब्लिक से कांटेक्ट में। यही बात जो विमल जी ने कही, जो मान साहब ने कही, यही मेरी फीलिंग है। वास्तव में ये सुशासन सहयोगी एक अधिकारी बनकर रह गए हैं, अगर वो जनता के टच में रहें,
सत्ता पक्ष के लोगों के टच में रहें, आम जनता के समाज सेवियों के टच में रहें, तो शायद वो ज़्यादा बेटर दे सकते हैं। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहूँगा, हरियाणा के 22 जिलों में कुल 23 सुशासन सहयोगियों को नियुक्त किया जाता है। गुड़गांव में 2 सुशासन सहयोगी लगाए जाते हैं क्योंकि वो बड़ा जिला है, और बाकी हर जिले में एक एक सुशासन सहयोगी लगाया जाता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हालांकि वो पूरी जानकारी नहीं है, एक सुशासन सहयोगी पे लगभग 2 लाख रुपए की राशि टैक्स पेयर मनी से खर्च की जा रही है। उनको गाड़ी दी जा रही है, उनको ड्राइवर दिया जा रहा है, उनको पीए दिया जा रहा है, और उनको ऑफिस दिया जा रहा है, उनको रहने के लिए, चाहे वो रेस्ट हाउस में भी रहें, तो भी रेस्ट हाउस कोठियाँ तो नहीं दी, लेकिन अगर वो रेस्ट हाउस में भी रहते हैं तो वो भी टैक्स पेयर मनी से ही बना हुआ है। तो 1-2 लाख की जो राशि है उन पे लगभग 46 लाख रुपया महीना खर्च किया जा रहा है। तो इतने खर्च में, जैसा कि अगर सीएम विंडो चलाई थी, सीएम विंडो के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, लेकिन वो इससे बेहतर, हाँ इससे बेहतर, ये अगर जैसी बात आई है, अगर पुराने लोगों को, निष्पक्ष लोगों को, हालांकि कोई भी सरकार निष्पक्ष लोगों को, जो व्यक्ति सीधी बात करता है उसको अपने सहयोगी बनाने को तैयार नहीं होती, लेकिन अगर निष्पक्ष लोगों को लाया जाए, आगे लाया जाए, जिनकी कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है, तो शायद अच्छे परिणाम आ सकते थे। आज इतना ही, धन्यवाद।